Hello everyone, I am Dr. Pratibha Dogra, respiratory and sleep physician. दोस्तों, पिछला साल बहुत ही मुश्किल था हम सब के लिए. कोविड ने हम सब के ऊपर बहुत असर किया, लेकिन सबसे ज़्यादा असर कोविड का हुआ फेफड़ों के ऊपर. बहुत सारे हम ऐसे लोग हैं जिनको कोविड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कोविड निमोनिया हुआ. सो वी हैड गॉन थ्रू अ लॉट. लेकिन अब ये वक्त है कि हम पोस्ट कोविड अपने फेफड़ों का ध्यान रखें. तो अगर आपको कोविड निमोनिया हो चुका है तो आपको अपने लिए थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए. आपको ये समझना है कि जो कोविड है वो एक लंबी बीमारी है, इट इज़ अ लॉन्ग इलनेस. तो कोविड होने के बाद भी अगर आपको किसी तरह भी कभी भी ऐसा लगता है कि सांस में मुश्किल हो रही है, या लगातार खांसी आ रही है, या आपके थकावट बनी रह रही है, तो आपको ज़रूर वापस अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि इसके लिए क्या किया जा सकता है. जो कोविड है वो आपके लंग्स को कई तरह से अफेक्ट करता है, और एक जो चीज़ हमने देखी है उसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं. और अगर आप अपने फॉलोअप पे जाते हैं और अगर एक्सरे या सीटी होता है, अगर उसमें कुछ हमें ऐसा लगता है जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं, तो उसका इलाज हमारे पास है. तो उस टाइम पे वो इलाज कराना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है. आने वाले टाइम में कभी भी आपको लगे कि हमें आपको सांस ज़्यादा चढ़ रहा है, या खांसी आ रही है, या फिर आपकी थकावट हो रही है, इन सब लक्षण अगर होते हैं तो आपको एक बार अपने रेस्पिरेटरी फिजिशियन से जाकर ज़रूर मिलना चाहिए. थैंक यू.